ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज पहले बात दादा की 4 जुलाई 2023 के अनुमान महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आया है भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए। उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने, भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए बाबा आए हैं। आज का प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए राजा पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है, प्रजा में कौन जाते हैं? उत्तर है, जो माते ने पद पाकर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजा पद प्राप्त होता है, और जो सौतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। सौतेले माते ने बच्चों के रिजल्ट, तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग पर से राजाई का तिलक लेते हो, यहाँ हथियार आदि की बात नहीं, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं भक्तों की रक्षा करने वाला, तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए हैं। भक्तों का रखवाला, रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ होता है, प्रॉब्लम में जो आता है, इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है, मेहनत तो करते हैं ना, कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब है असुर संप्रदाय, वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा देवी संप्रदाय वाला या ईश्वरीय। सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ शिव बाबा ही कराते हैं। जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं, बेहद की नॉलेज कोई दे न सके, भल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे फिर दूसरे जन्म में नए सिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे, प्रारब्ध तो कुछ भी बने नहीं, गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वह भी अल्पकाल का सुख मिला, प्रारब्ध तो कुछ बने नहीं, फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़ेगा। यह भोलानाथ है सतगुरु, सतगुरु सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा हो ना, वही आकर के सत्य कथा सुनाते, सतगुरु ही सत्य कथा सुनाते। यह है सतगुरु की मत जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। नर यह है नर को नारायण बनाने की मत, भोलानाथ अगम निगम आदि मध्य अंत का राज बैठ बताते हैं। हाँ, और कोई गुरु नहीं बता सकते, एक सतगुरु ही बता सकते हैं, और कोई मुक्तिधाम जीवन मुक्तिधाम को जानते ही नहीं। मुक्तिधाम का मालिक है परमपिता परमात्मा, जो परमधाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है, बाबा ने बार बार समझाया है, यह बाप टीचर सतगुरु है। श्री कृष्ण को बाप टीचर सतगुरु नहीं कहेंगे। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए। गुरु शुरू हुए हैं द्वापर से, सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं हैं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए स्वर्ग बनाया, फिर वहाँ गुरु की दरकार नहीं। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ, सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है, पांच विकारों के साथ हमारा युद्ध है तो जीत पहनो, फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो। हम जानते हैं यह श्री कृष्ण माया जीत वर्ण जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बनते हैं। श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठा करके समझाना है सभी को, तुम बच्चियाँ जानती हो हम युद्ध के मैदान में हैं, माया जी जगत जी बनना है। जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बना, फिर उनके साथ और सारे राजधानी, तो जरूर सब युद्ध के मैदान में होंगे ना, जो माया पर जीत पाते होंगे। 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे, वैसे अब यह भी युद्ध के मैदान में है,
तुम भी युद्ध के मैदान में हो, पांच विकारों पर जीत पाकर तुमको यह बनना है। इसको कहा जाता है नारायणी नशा, माया जीत जगत जीत बनना है। कितनी ये सहज बात है, सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियाँ हैं। कौन हो गए आप सभी? द्रौपदियाँ। हाँ, सबको सतयुग में नंगन होने से बचाते हैं, वहाँ कोई भी विकार में नहीं जाते हैं। कहेंगे भला तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, अरे वह तो है ही पवित्र दुनिया। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या? कितने सन्यासी हैं, कितने लोगों ने सन्यास लिया हुआ है, फिर भी बाबा कहते दुनिया तो खत्म नहीं हुई, दुनिया तो बढ़ती ही रही है। सन्यासी जानते हैं पवित्रता बहुत ही अच्छी बात है। विकारों का सन्यास तो अच्छा है, सन्यास करने वालों को सन्यास न करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं। जो सन्यासी हैं उनको गुरु बनाते हैं, वो सच्चे सतगुरु द्वारा यह माताएं गुरु बनती है, जिन्हों की विजयमाला बन हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़कर ऊंच पद पाओ। अब बाबा ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। उनकी सारी राजधानी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना, अभी तो न राजा महाराजा कहना सकते हैं, न खुद को प्रिंस प्रिंसेस कहना सकते हैं। अब तुमको बाप की दैवी मत मिलती है, अब माता को ज्ञान कलश मिला है। यह बच्चियाँ अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती हैं। बाबा बहनों को माताओं को शाबाशी दे रहे हैं। देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़े ही राज्य करेंगे, उनके लिए चाहिए नई दुनिया। तो नई दुनिया बढ़ रही है, तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो फास्ट। एक तो है ही विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। तो बाबा कहते हैं दूसरा फिर है कर्म बंधन, उनसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं मुझे याद कर अशरीरी बनो, ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है, नहीं, न कोई ज्योति जो समाया है न समानी है। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए, आत्मा तो अविनाशी है, शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है। बाबा कहते हैं आत्मा क्या करती है, मेरे साथ योग लगाती है और पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर भी पवित्र हो जाएगा, यह शरीर खलास हो जाएगा, फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे। यह शरीर पूजन लायक नहीं है, यह शरीर पूजन लायक नहीं है। पूज्य तो सिर्फ देवताएं हैं, उन पर फूल चढ़ा सकते हैं, उन्होंने श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ के श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री दो बार क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है ऊंचते ऊंच। श्री श्री दो बार क्यों कहते हैं, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। श्री श्री दो बार क्यों कहते हैं, तो आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र है, इसलिए उन्होंने 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी है 16 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। देखो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे और लक्ष्मी नारायण को श्री श्री कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को ऊंचे टाइटल मिलता है श्री श्री लक्ष्मी श्री श्री नारायण। वह है महाराजा महारानी और राम सीता है राजा रानी। नंबरवार जो जैसा बनता है उनको ऐसा ही टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं हैं, बड़े को महाराजा कहा जाता है, राजाओं को राजाएं क्या करते हैं, महाराजाओं के आगे सिर झुकाते हैं। महाराजा पहले हैं, बाबा कह रहे आज महाराजा पहले हैं, राजा पीछे हैं। तो अब श्रीमत पर चलना है। श्री श्री जगत गुरु रुद्रमाला है ना, जगत का मालिक भी वह एक ही है परमात्मा, टीचर भी वह है तो गुरु भी वह है। ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करना पड़े। कहते हैं बंधन है कोई छुड़ावे,
तो तेगा मिसाल देते गंगाराम गंगाराम नल के ऊपर नहीं बैठना, बैठा है नल के ऊपर और फिर कह रहा है खुद ही गंगाराम गंगाराम नल के ऊपर नहीं बैठना है आपको। विकार विकार में जाते रहते और फिर कहते हैं कि इस विकारों से हमें छुड़ाओ। तो बाबा कहते हैं अरे भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, तुम सिर्फ अंगुली तो पकड़ो, वह जो कहे सो करो, पवित्र तो जरूर बनना पड़े, इस कब्रस्तान को क्या याद करना है, रहना भर यहाँ ही है परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहाँ लगाना है। इसको कहा जाता है शांतिधाम सुखधाम को याद करना, नष्टो मोहा भी बनना है। वह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था, सतयुग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है। आज बाबा कह रहे सतयुग स्थापन हुआ था फिर हो रहा है, इसमें हमें पवित्र रहना है। पति जो कहे वह तुम करो ना, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। घर के कामकाज तो करने ही पड़ेंगे, हाँ बाल बच्चों को संभालना ही पड़ेगा और पवित्र बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक भी नहीं बनेंगे। अब बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। लोग डरते हैं, शब्द को भी सुनना नहीं चाहते हैं, स्वर्गीय स्वर्गवासी। हाँ उनको लगता है वैकुंठ वैकुंठ निवासी, कैलाश निवासी, ऐसे शब्द डालते हैं जो मरते हैं उनके पहले वो शब्द होता है। हाँ तो बाबा कहते हैं तुम्हें स्वर्गवासी बनाने के लिए मैं आया हूँ। अच्छा तो वो है पतियों का पति, फिर से स्थापना हो रही है, इसमें पवित्र रहना है। अब बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते, पतितों को पावन करने वाला है एक ही शिव बाबा, जगत का मालिक। बाबा कौन है? जगत का मालिक। अब तुम बच्चिया ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनाओ। कैसे बनाओ देवता? ज्ञान के धन से बच्चियों को काम दिया बाबा ने। ये तो नॉलेज है, बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है, और कोई को यह नॉलेज भी नहीं है। सब दर दर के धक्के खाते ही रहते हैं। यहाँ तुमको बाबा ने कितना सालेश में बिठाया। बाबा कहते हैं मरने लायक हो तो भी बैठ करके ज्ञान मुरली सुनो। अंत समय आया है तो भी बाबा कहते ज्ञान मुरली सुनो, ज्ञान अमृत मुख में हो और शिव बाबा की याद हो तो प्राण तन से निकले, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी, नहीं तो न विकर्म विनाश होंगे न मोह जीत बनेंगे, मुक्त भक्ति का फल गवा देंगे। सब भक्त है माया के बंधन में फंसे हुए हैं और रखवाला है भोलेनाथ शिव बाबा। रक्षा करने आए हैं तो उनकी राय पर चलना है, श्री कृष्ण के कुल में जाना है। श्री कृष्ण है फुल पास संपूर्ण चंद्रमा। जब चंद्रवंशी का समय आता है तो वह अपना राज्य ले लेते हैं, तो नापास क्यों होना चाहिए भाई? फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो, डरने का काम नहीं, निर्भय निर्वैर बनना है। एक तो देखो कर्मातीत बनना है, हमें नष्टो मोहा बनना है, निर्भय निर्वैर बनना है। समझाना तो पड़ेगा ना, जो कहते भगवान सर्वव्यापी है उन्होंने ही भारत की ऐसी दुर्दशा की हुई है। भगवान तो एक ही भोलानाथ है जो भक्तों का रखवाला है। श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ है, कौन है भाई? ब्रह्मा है। अब कुछ समझो ना, बहुत बड़ी लॉटरी है, घोड़ दौड़ है, हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। कैसे? बुद्धि से। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुँचेंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा ने बार बार समझाया है हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं, मनुष्य कहेंगे हथियार आदि का है तुम्हारे, जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे। बाबा ने एक्ट करके दिखाई, हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। हम निष्ठा में बैठे हैं अर्थात शिव बाबा की याद में हैं, बुद्धि वहाँ लटकी हुई है। पतियों के पति ने कहा पतिव्रता बनना,
निर्वैर निर्भय पतिव्रता बनना और कोई को याद नहीं करना, योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। कन्या भी पति को कितना याद करती है, वह तो है देहधारी, परमात्मा तो अशरीरी है, उनको बुद्धि से याद कर सकते हैं। देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे, बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है, हम अपने स्वर्गधाम जरूर पधारेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे, बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। बच्चे लोग देखो बगीचे में जाकर के गार्डन में जाकर पढ़ते हैं, तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। हमारा पुराना हिसाब किताब चुक तो होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर भारत पर हम अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। वी आर एट वॉर, फिर से बाबा याद दिला रहे हैं, हम कहाँ हैं, युद्ध के मैदान में हैं, हम सब लड़ाई के मैदान पर हैं। यह है सारी योग बल की बातें, इनमें तकलीफ तो कोई है नहीं, या है किसी को कोई तकलीफ है नहीं है ना, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है, फिर ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा, वरदान मिल जाता है। कौन सा? आयुष्मान भव, ज्ञान मार्ग में हमें जिंदा रहना है। पुत्रवान भव, वहाँ धन आदि सब आकुचा रहता है, पहले से साक्षात्कार होता है, बच्चा आने वाला है सतयुग में, वहाँ मुख का प्यार होता है, विकार की बात ही नहीं, वह है ही निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है, अब ऐसा तुम्हें बनना है, तुमको तो पट रानी बनना है, मेरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़े ही मिला, एक सेकंड का साक्षात्कार हुआ था बस, उसमें ही वो बलिहार गई। बाबा के जो तो है ही भक्ति मार्ग, मेरा अभी कहाँ ना कहाँ है, इस सृष्टि पर ही है, जन्म लिया है ना उन्होंने भी, उसने भी ज्ञान लिया होगा, अगर पक्की भक्ति होगी। हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं ना, देखो हम भी पक्के भक्त है जिन्होंने ज्ञान लिया है। बुद्धि से समझना है, मैं शिव बाबा की हूँ, शिव बाबा मैं आपकी हूँ, बोलो सभी, शिव बाबा आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूँगी, मैं आप पर बलिहार जाती हूँ। तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे, अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सौतेले बनेंगे, तो 21 बार बाबा कहते प्रजा में आएंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करो तो हम भी मदद करेंगे, मदद तो जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे, दूसरे को क्यों करेंगे। देखो भगवान कह रहे अपने बच्चों को ही मैं मदद करूँगा। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह, धारणा के लिए मुख्य सार है, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है, इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बुद्धि योग की दौड़ लगानी है। वरदान, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलते रहना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप की अविनाशी नशे में स्थित रहना, चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति हो, वो संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर वो चमक रहती है, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक से फलक
चेहरे से दिखाई दे आपके। आज का स्लोगन है, खुश नसीब वह है जो सदा खुश रह करके खुशी का खजाना बांटता रहे। खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। तो ऐसे चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।